हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सुखी जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं रायकोट तो लुधियाना लुधियाना के पास से पंजाब। अच्छा, मेरे पिंड तो बोल रहे हाँ सर। मैं क्या, मेरे पिंड तो ही बोल दें तुसी, मेरा भी पिंड कितने सर पिंड अपना? लुधियाना। लुधियाना? ठीक है सर, रायकोट अपना नाल ही पैंदा है, 1 किलोमीटर का फर्क है। हाँ ते की सवाल है दसो फिर। जी सर, मैं तुहानू पहले दस्सिया सी ना, मेरे पिगमेंटेशन सी आ पूरा फेस। हाँ, ते हुण बहुत हद तक क्लियर हो गई है, तकरीबन 90% चली गई है, 10% रह गई, किते किते लाइना जीनी है। अच्छा, हाँ, देखो हाँ, किते किते बाकी सब क्लियर हो गई है। हाँ हिंदी में बात करते हैं ताकि सब सबनों समझ आ जाए। हाँ ठीक है। टाइम हो गया ये, आपके? ये, हाँ ये सर ना 2014 में हुई थी मेरे को। अच्छा हाँ, और उसके बाद ना ये पूरा भर गया था, ये यहाँ पे ये माता, ये आपको मैंने फोटो भी शेयर कर रखी है, ये नाक भी पूरा भर गया था। ठीक है। तो हाँ कितनी देर में ठीक हुई है पिगमेंटेशन, 90% जो चली गई? सर ये तकरीबन इनको लग गए 4.5 महीने लग गए जी। अच्छा जी, कमाल करता तो मेनू 6 महीने लग गए हैं। ठीक नहीं, है, मेरे पूरे तरीके ना गए भी नहीं ना। मेरा 80% नहीं गया सी, मेरा भी 6 महीने। अच्छा हाँ, चलो बहुत। 90 चला गया सर। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਧੁੱਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਬ ਵੀ ਆਪਕੋ ਧੁੱਪ ਮੇਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਨੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕੀ ਨਾ ਅਭੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਨਾ ਜੀ ਜੀ कि आपको जितना बाकी स्टेज ने लिया, ठीक है, पहली स्टेज ने लिया इतना ही टाइम ले जी, तो बस जी, जब भी जाना है तो सनस्क्रीन लगानी है। तो जितने लोग देख, बताओ आप कैसे कैसे डाइट लेते हो, क्या क्या चीजें आपने फॉलो करी हैं जिससे आपका 4.5 महीनों में 90% चला गया? सर छोटा भाई जी आपको भी बहुत देखता है। हेलो जी, की हाल चाल? बढ़िया भाई जी। सर मैं बहुत बढ़िया। तुसी डाइट फॉलो करते कि नहीं करते? करते हैं। चलो बहुत अच्छी गल है। सर मैंने ना पहले काफी डॉक्टर से मिला था मैं, जो लुधियाना में एमबीबीएस डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जिनकी मतलब फीस ही 500 और 1000 रुपए है मिलने की, उनको भी मिला था। उन्होंने ना और ज्यादा खराब कर दिया, बहुत ज्यादा खराब कर दिया फेस। तो उन्होंने क्या भी क्रीम वगैरह दे दी होंगी उन्होंने? हाँ उन्होंने उन्होंने एक तो सर क्रीमें बहुत दी, और ऊपर से ना जो है कि अपने जो स्टेरॉइड वाली टेबलेट होती है वो दे देते थे, रात को दे देते, 150 की आती थी एक, मैं उसका नाम भूल गया, जैसे ही खाते थे ना 10-15 मिनट में मतलब बंदा बेहोश हो जाता था। अच्छा हाँ, और आगे गया हूँ उनकी ठीक होना, तो जिनने जितने लोग देख रहे हैं सबको बताओ आप क्या क्या डाइट फॉलो करी, क्या क्या चेंजेस करे आपने। हाँ, उसकी वजह से सराइसिस बन गया सर। अच्छा, स्कैल्प सराइसिस हो गया था मुझे जी, सारे बाल चले गए थे, अभी अभी आए हैं, ये पूरा सिर जड़ने लग गया था। तो फिर सब जगह से थक हार के फिर आपका भी वीडियो देखा और भी कई चीजों देखा मैंने यूट्यूब पे, तो फिर मैंने सब मेडिसिन बंद कर दिया और मैंने एक तो 16 घंटे का उपवास शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। पहली मील मेरी 10 बजे होती थी और लास्ट 6 बजे, उसके बाद कुछ भी नहीं। अच्छा। हाँ, पहली पहली मील में 10 बजे सुबह मैं जिम जाता था, अपनी ब्लैक टी पी लेनी या फिर ग्रीन टी पी लेनी, दोनों पी के। अच्छा। जिम आने के बाद तकरीबन 500 से 700 ग्राम अकेले फ्रूट लेता था सर, जिसमें अपना केला हो गया, सेब हो गए, ये दो वैरायटी रोज बदल के। अच्छा। और कुछ नहीं, उस पे चिया सीड मैं ऊपर फेंक देता था, थोड़ा थोड़ा छिड़का कर लेता था। ठीक है। उसके बाद सर लंच होता था तकरीबन 12:30 और 1 बजे, लंच से पहले मैं सलाद लेता था 10 मिनट पहले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ उसमें सारी वैरायटी रहती थी, गाजर होगी, मूली होगी, प्याज, टमाटर। ठीक। हाँ, उसके बाद 10 मिनट बाद फिर मैं अपना लंच करता था, और सेम प्रोसेस जो था वो डिनर में था, डिनर मेरा 6 बजे हो जाता था। अच्छा, सलाद वगैरह। और मैंने सारे मसाले सारा बंद कर दिया था सर, सेंधा नमक शुरू कर लिया था, नमक तक भी बंद कर दिया था, जहाँ वाला जो डाटा वाला जो बाजार में मिलता है। अच्छा। हाँ, और मेरा सराइसिस सबसे जल्दी सराइसिस गया है, जो सबसे बड़ी समस्या बन गई थी मेरे लिए। अच्छा। हाँ, सोराइसिस किसी डॉक्टर से ना ठीक हो रहा था, ना मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो रही थी, ये नाक पूरा काला था यहाँ से ये। अच्छा। तो आप, हाँ ये भी पूरा काला था। इतनी छोटी एज में सोराइसिस कैसे हो गया सर?
हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, स्टीरो वगैरह देते थे ना डॉक्टर? अच्छा, पिगमेंटेशन के चक्कर में, हाँ, और उसकी वजह से हो गया जी। मैं सराइसिस से भी बहुत परेशान था, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं आपके साथ जुड़े हैं मेरे साथ, उनको मैं बता दूं कि अगर किसी को सराइसिस हो जाए तो डॉक्टरों से जितना दूर रहे उतना ही आपका फायदा है। देखो क्या ना, अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, आप डाइट भी ठीक ठाक लेते हैं, तो आपकी बॉडी खुद ही ठीक कर देती है। आपकी बॉडी खुद ही सबसे बड़ी डॉक्टर। तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो सबसे अच्छी बात है, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, 16 घंटे का जो आपने फास्टिंग करी, उससे फर्क पड़ा। फिर आपने चिया सीड, फ्रूट, सैलेड वगैरह लेना शुरू किया। आप लंच से पहले सैलेड ले लो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर सैलेड पहले खा लो तो आपको भूख भी इतनी ज्यादा नहीं लगती और आपका डाइजेशन भी अच्छा रहता है। सर फोटो नहीं आ रही आपकी? हाँ, मुझे लगता है थोड़ा नेटवर्क का मसला होगा। बड़ी खुशी है आपसे बात करके। बस आपने जी, मुझे भी बहुत इधर, मैं कभी काफी दिनों से ट्राई कर रहा था कि आप पिछले शुक्रवार ही आप लाइव हुए थे, तो उस समय भी नहीं हो पा रहा था, आज हुआ है। चलो, बस आपने ऐसे ही डाइट फॉलो करती रहनी है। फ्रूट्स हो गए, सैलेड्स हो गया, दही हो गया, इन चीजों को फॉलो करते रहो। और इंटरमिटेंट फास्टिंग से ना, अगर बॉडी में कोई और भी प्रॉब्लम होगी ना आपको, वो भी ठीक हो जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। लुधियाने आया तो दसना सर? हाँ जी, जब लुधियाने आया तो दसना। हाँ जी हाँ जी, मैं स्टोरी पा लांगा, तुसी जरूर मिले मेनू। हाँ ठीक है सर, ठीक है जी, ओके, ठीक है, अपना ख्याल, ठीक है जी। लास्ट स्टेज है, इतना ही मेहनत करते रहना, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है, ओके सर। ये थे सुखी जी, 90% पिगमेंटेशन चला गया है 4 महीनों में। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम। वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। देखो, इन्होंने कभी ना मुझे कोई फालतू उस मैसेज नहीं किया, सर मैं क्या करूं क्या करूं, जो अक्सर लोग करते हैं कि सर बता दीजिए मैं क्या करूं। अरे भैया, मैं यही तो बताता हूं आपको क्या करना है। डाइट लेनी है, वर्कआउट करना है, टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शख्स को लाइव लेते हैं, डॉली जी। डॉली जी, आई होप आपका नेट चल रहा होगा सही, तो कनेक्ट हो जाएगा।